देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। लोकसभा चुनाव 2019 को सकुशल संपन्न कराने के लिए सिद्धार्थनगर जिले से गौतम बुद्ध नगर के लिए 344 पुलिसकर्मी शनिवार को रवाना किए गए। इनमें सभी रैंक के जवान शामिल हैं। चुनावी ड्यूटी पर जा रहे जवानों के इस काफिले को पुलिस कप्तान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गैर जनपद जा रहे ये चार जवानों का चार चरणों का चुनाव संपन्न कराकर अपने जिले में वापस आएंगे। जाने से पहले इन पुलिसकर्मियों को पुलिस कप्तान ने चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट पर मतदान छठवें चरण में 12 मई को होना है। पुलिस प्रशासन इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए जनपद सिद्धार्थनगर से गौतम बुद्ध नगर के लिए सभी रैंक के 344 पुलिस अधिकारी रवाना किया गया और इनके साथ 3 मेस के साथ में 8 बसों में इनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, रास्ते में क्या करना है, मतदान केंद्रों पर क्या करना है, वहाँ पहुँचकर क्या करना है, और ये सभी जवान चार चरणों की ड्यूटी करके फिर अपने जनपद में वापस आए। 344 जवान हैं प्लस 9 फॉलोवर और 3 उनके मैनेजर हैं, इतनी संख्या। सिद्धार्थनगर से संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।